हेलो एवरीवन। सो मैंने एक सीरीज़ तैयार करने की सोची है जिसके अंदर कि मैं दो तीन चीज़ें कंपेयर करूँगा, जस्ट लाइक यू नो कंपनसेटर, स्नाइपर, फ्रैग, मॉली, इन सब के डैमेजेस, इन सब का डिटेल कंपैरिजन, इन चीज़ों को कैसे कब यूज़ करना है अलोंग विथ सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो ये एक प्रॉपर ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई जाएगी जो कि मैं चलाऊँगा। इट विल कंपेयर आर्मरी, इट विल कंपेयर ऑल द अटैचमेंट्स, इट विल कंपेयर मीली वेपन्स। आई डोंट नो इफ आई मीन आई डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हैं। अभी बेसिकली चार चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, एंड ये उनमें से पहली चीज़ होगी जो कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू प्ले विद मी, यू कैन एक्चुअली एड मी, हियर्स माई इन गेम ID 5241959960, एंड होपफुली विल हैव सम चिकन डिनर्स टुगेदर। यू कैन जस्ट सेंड मी फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड विल प्ले टुगेदर, एंड इफ गुड आई विल ऑल्सो अपलोड देम ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो या नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्चुअली रोल द इंट्रो। आप ये देख रहे हो मेरा मोलोटॉफ का सेटअप, मेरा फ्रैग का सेटअप एंड मेरा स्मोक ग्रेनेड का सेटअप। स्मोक ग्रेनेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में। हाउ स्मोक ग्रेनेड्स आर इम्पॉर्टेंट लेट मी टेल यू। एक्चुअली इतने के आसपास रखो, स्मोक हो सके तो ज़्यादा रखो। आपका एमओ 150 से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो अपने एमओ को 150 के उस पर ही रखो कि 5.56 की 150 इज़ इनफ, 7.62 150 इज़ इनफ, बिकॉज एक टाइम पे आप एक क्लोज कॉम्बैट करोगे, बंदे मार पाओगे तो आप 30 गोलियों में ही मारोगे ऑब्वियसली, या 150 में मार दोगे। ले यार तेरे को ये चाहिए, ये ले, अब चाहिए तो उठा ले, नहीं चाहिए, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। अरे तेरे को शर्ट भी चाहिए क्या? हाँ ठीक है। हाँ सो व्हाट एक्चुअली हैव व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि बंदे मारने के टाइम आप 150 में भी बंदे मार दोगे बहुत आराम से, अदरवाइज नहीं मार पाओगे तो आप नहीं मार पाओगे। एक टाइम पे आप जितनों को लेना चाहते हो, 150 गोलियां आर मोर देन इनफ फॉर दैट। सो अपने पास एमओ के अलावा स्मोक्स, नॉर्मल नेड्स एंड मोलोटॉव्स की अमाउंट ज़्यादा रखो, बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है, आप पे जोन नहीं होता, जोन दूसरे बंदे के पास है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। वट यू डू इज जस्ट अ ट्रिक दैट अ लॉट ऑफ लाइक रियली अमेजिंग यूट्यूबर्स, अमेजिंग प्लेयर्स यूज़, दैट इज़ स्मोक वॉल। दे स्टार्ट क्रिएटिंग अ वॉल, यहाँ पे रखा, मान लो मेरे सामने पेड़ था, मैंने पेड़ से यहाँ पे किया, अगला मैं थोड़ा सा आगे रखूँगा उस स्मोक के अंदर जाऊँगा, अगला उससे थोड़ा और आगे रखूँगा, एंड इन दिस वे आई विल एक्चुअली बी क्रिएटिंग अ वॉल इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ पे मैं था, ध्यान से देखना, मेरे दूसरी तरफ बंदे थे, मेरे को जोन में पहुँचना था, पूरा जोन घूम के वो कहीं से शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कहीं से भी एक प्रॉपर शॉट नहीं है मेरे लिए। दिस ट्रिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे अगर आपने 5 रखे हुए हैं, कितनी लंबी स्मोक वॉल बना दोगे, 6 रखे हों और लंबी स्मोक वॉल बना दोगे। तो स्मोक्स आर रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू डोंट वॉन्ट योर ओपोनेंट्स टू सी वॉट यू आर डूइंग। क्या पता आप ब्लफ स्मोक भी कर सकते हो, फेक स्मोक। आपने इतनी बड़ी स्मोक वॉल बनाई एंड आप पहली स्मोक वॉल के ही स्मोक के ही पीछे छुपे रहे, एंड निकल के पीछे से आपने उनको मार दिया। आई मीन दैट थिंग इज़ एक्चुअली लाइक दैट्स अ नाइस स्ट्रैटेजी, दैट्स अ जीनियस स्ट्रैटेजी इफ़ यू हैव टू डू इट। नाउ कम्स फ्रैग्स एंड आर मोलोटॉव्स। डिफरेंस बिटवीन फ्रैग एंड मोलोटॉव इज दोनों का डैमेज अमाउंट सेम है एक्चुअली। इफ़ यू आर लुकिंग, डैमेज पर सेकेंड दोनों सेम करते हैं, बस मोलोटॉव वो डैमेज स्प्रेड एरिया में करता है एंड फ्रैग वो डैमेज एक सर्टेन छोटे रेडियस में करता है। सो दैट इज़ हाउ डिफरेंट इट इज़। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को मार रहे हो ना फ्रैग, अगर आपने मोलो मारा पहले, ऐसे मारा मॉली, अब मैं बाइक पे मॉली मार रहा हूँ, तो मॉली बाइक के आसपास स्प्रेड हो जाता है थोड़ा सा। सो व्हाट इट डज इज़ इस पूरे एरिया में जितने लोग होंगे उन सब की हेल्थ कम होगी। आप मॉली मार के अगर आप पुश करो, दैट्स अ रियली नाइस पुश, बिकॉज आपने मॉली मारा, लोगों को अपनी फर्स्ट एड ही लगानी पड़ेगी बैठ के, दे विल बी लाइक बैंडेजिंग एंड फर्स्ट एडिंग एंड ऑल दैट स्टफ। उस टाइम अगर आप पुश कर दो, वो लोग फर्स्ट एड लगा रहे होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1.2 सेकेंड का टाइम लगता है रिवाइव या हेल्थ लगाते लगाते, एंड उसके बाद आप गन निकालते हो, वो लोग फर्स्ट एड लगा रहे होंगे, उतने में आप उनको बड़े आराम से मार सकते हो। और अगर उन्होंने गन निकाल भी ली, याद रखो उनके ऊपर मौली पड़ा था, उनकी हेल्थ कम है ऑलरेडी, सो आप मार ही सकते हो किसी भी तरीके से। मौली करने का बड़ा अच्छा तरीका
ये है कि आपने मौली किया, ये पूरा घर का एरिया ना मान लो, जैसे ये घर था, मौली किया खिड़की के थ्रू, एंड घर का एक एरिया पूरा का पूरा वहाँ तक, मतलब समझ रहे हो, वहाँ तक जहाँ पे मेरा ये वाइट वाला डॉट है, यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा एरिया गया। दैट मीन्स अगर बंदे थे उन लोगों के ऊपर, उन लोगों की हेल्थ कम हुई है, उनमें भगदड़ मचेगी, एंड ऑब्वियसली दिल यू नो ट्राई टू एस्केप एंड ऑल दैट। फ्रैग का क्या है? फ्रैग आपको देता है इंस्टेंट डैमेज, इंस्टेंट डैमेज, और एक छोटे रेडियस में। मैं फ्रैग यहाँ पे मारता हूँ तो एक छोटे रेडियस में इंस्टेंट डैमेज देगा फ्रैग। सो ओके, आई मीन वेयर डिड द बाइक गो? ओके, सो या दिस दिस डैमेज वॉज गिवन बाय फ्रैग, एंड फ्रैग का डैमेज इज एक्चुअली इक्वल टू मॉली का डैमेज। अब आपको फ्रैग्स की कुकिंग आपको देखनी पड़ेगी, किसी चीज़ के आप पीछे खड़े हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप फ्रैग कैसे कहाँ से मार सकते हो, विच इज़ लाइक बहुत डिसेंट एरिया मारने के लिए, देख रहे हो, बहुत डिसेंट एरिया मारने के लिए आपको खिड़की चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं एक्चुअली एक क्लिप डालने का ट्राई करूँगा बीच में इस पर्टिकुलर टाइम पे, जहाँ पे कि मैं फ्रैग डाल रहा हूँगा, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। सो वो फ्रैग अगर आप देखना, मैंने मैक्सटन के साथ किया था एक कोलैब, उसका एक छोटा सा पार्ट मैं डालूंगा, बहुत छोटा सा, और वो फ्रैग मारना वॉज लाइक दैट्स अ जीनियस फ्रैग। मैंने बहुत सारे जीनियस फ्रैग्स किए हैं, मैं एक्चुअली दो तीन डाल दूंगा, लेट्स एक्चुअली लीव इट, मैं अपने पुरानी वीडियोज़ में से दो तीन गुड फ्रैग्स डाल दूंगा, एंड द मोमेंट यू विल सी देम ना, यू विल लाइक दैट दे आर एक्चुअली द बेस्ट काइंड ऑफ फ्रैग्स यू हैव एवर सीन। आई मीन लाइक नॉट दी बेस्ट, बट या वन ऑफ दी फॉर श्योर। सो या दैट इज़ द थिंग। गाड़ी के अंदर फटा, गाड़ी की सीट पे फटा एक्चुअली जाके। आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ से आपको ओपनिंग मिलती है, एंड देन यू विल हैव टू डू इट। उसे ललचाओ, मैं यहाँ से पीक करके मारूंगा उसको। इसलिए नहीं हो रहा, देख चेक किया अभी यहाँ पे वो है, हुआ उसकी लाइफ वाले ने करना। ये क्या मजाक था, इतनी दूर कैसे गया? क्या हुआ? अरे क्या उस घर में तो नहीं है कोई? नहीं, उस घर इस यहाँ पे है 100%। ब्रो ओके, गाड़ी के बीच में से शॉट। गाड़ी के एग्जैक्ट बीच में से शॉट मारा। वो दरवाजा खुला अभी अभी, और इस घर में बंदा आया अभी अभी।
Since that guy was there and he was getting shot at, I'll assume the last guy must be right about here. I threw a nade on you because I knew you will be there. Fuck off. Are there any? There should be. There is someone, there is a camper here. 100% there's a camper near me. 100%. ये रहा, ये रहा, ये रहा. सो गाइज, दिस वॉज एक्चुअली द होल वीडियो एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. एंड सीरियसली, अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ ये सीरीज़ पूरी की पूरी चलेगी एंड इस सीरीज़ के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें अनवील होंगी. कुछ पबजी के मिथ्स रिलेटेड भी होंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें अनवील करी जाएंगी एंड होपफुली ये सीरीज़ प्रॉपर एक राइज कर सकती है पबजी कम्युनिटी में, बिकॉज़ बहुत सारे लोग खेलते हैं, बट बहुत सारे लोगों को क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है या क्या चीज़ का कहाँ पे कैसे इफ़ेक्ट होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पता चलता. सो वो चीज़ों को प्रॉपर एक सीरीज़ के उसके अंदर रख के मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ. सो होपफुली दिस थिंग विल एक्चुअली हेल्प पीपल. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड पीस.